अ मास्टर कॉपी हैज़ ऑलवेज इट्स कॉपीज राइट। दोस्तों नमस्ते, वेलकम टू योर चैनल विजय थापा UBC। मैं विजय थापा बैंगलोर से आप सबको मेरा थापा सलाम। दोस्तों मैंने एक स्टेटमेंट बताया, मास्टर कॉपी हैज़ इट्स चीप कॉपीज। ये है हमारा मास्टर कॉपी और इसके सारे चीप कॉपीज मार्केट में बिक रहे हैं। ओके, किस लिए, क्या है ये, मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आज इस वीडियो का क्या कर रहे हैं इस वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों हर हफ्ते की तरह एक नया वीडियो लाया हूं और आप सबको मैं तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोगों ने जितना प्यार एनकरेजमेंट और सपोर्ट मुझे दिया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांग सकता था। राइट, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, यूट्यूब प्रोफाइल है, वहाँ पे मेरा अलग अवतार देखने को मिलेगा, आप ज़रूर वहाँ पे जाइए और वहाँ पे भी मेरा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों 3-4 महीने पहले मैंने एक नया वीडियो डाला था, वीडियो था अपने DP बाहुबली का, जिसका मैंने बैट अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था, स्पेशली फॉर द प्लेयर एडिशन सेलेक्टेड विलो का। ओके, अगर पता नहीं अगर आपने देखा हो कि नहीं, अगर नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी डाल दिया है, आप ज़रूर जाइए चेक कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कैसा है ये वीडियो। ओके, दोस्तों मैं हमेशा दो वीडियो डालता हूँ, एक वीडियो होता है अनबॉक्सिंग रिव्यू का, दूसरा होता है दो तीन महीने खेलने के बाद, मैं खुद खेलता हूँ तो मैं खुद खिलाड़ी हूँ तो उसके बाद मैं एक वीडियो डालता हूँ। कोरोना की वजह से बैंगलोर में 3 महीने लॉकडाउन था तो हम लोग नहीं खेल पाए, तो वो जो सेकेंड एडिशन वाले वीडियो होते हैं वो थोड़ा डिले हो गए, और अभी 3 महीने बाद मैंने प्रॉपरली इसके साथ 2 महीने खेला है, तो मैं आपके पास इसके बारे में बताने के लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। राइट, दोस्तों बाहुबली एक ऐसा ब्रांड है, ऐसा बैट का ब्रांड है जो पूरे इंडिया में फेमस है, बहुत ही वंडरफुल और फर्स्ट क्लास बैट है ये। ओके, दोस्तों ये वाला बैट मैं ऑलमोस्ट 3 महीने से खेल रहा हूँ, खेलने के बाद इसके बारे में, इसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, मैं इसके बारे में बताने के लिए आप सबसे इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। राइट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी है जो सोचते हैं कि यार कौन सा बैट ले, किस कैसा बैट ले, कैसा रहेगा परफॉर्मेंस उसके बारे में, तो ये ऐसे वीडियोस उनको थोड़ा बहुत अच्छा आइडिया देती है ताकि वो खुद एक डिसीजन ले सके कि कैसे परचेज करना है करके। दोस्तों ये ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए मैंने खेले इस वीडियो इस बैट को, ये मेरा सेलेक्टेड विलो का प्लेयर एडिशन बैट है। आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने से पहले मैं इस वीडियो को इस बैट को एक बार दिखाना चाहता हूँ। इसका देख लीजिए दोस्तों, ये है फ्रंट प्रोफाइल, ये है बैक प्रोफाइल, और ये है बैक प्रोफाइल, और ये साइड प्रोफाइल। बहुत ही बिल्कुल और बढ़िया बैट, इट्स अ सेलेक्टेड विलो प्लेयर एडिशन बैट फ्रॉम द हाउस ऑफ DP स्पोर्ट्स, और ये मॉडल है बाहुबली। बाहुबली बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है इंडिया में, आपको पता है, हमें पता है, हर गली में लोगों को पता है कि बाहुबली इज अ वेरी बिग ब्रांड। राइट, दोस्तों अभी आते हैं इसके बारे में, एडवांटेजेस के बारे में। बहुत खेलने के बाद दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि आपको जब भी बाहुबली बैट आता है थोड़ा भारी सा होता है, खेलते खेलते घाम में सूखते सूखते ये लाइट हो जाता है। राइट, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ही पहले एडवांटेज मेरे लिए यही है कि बाहुबली पहले प्लेयर एडिशन विलो नहीं निकालता था, वो सिर्फ डबल ब्लेड बैट्स निकालते थे, अभी प्लेयर एडिशन निकाला है। मतलब मैंने एक छोटे से एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेन ऐसा किया था, ये प्लेयर विलो और या सेलेक्टेड विलो होता क्या है। ओके, आप एक मार्केट जाते हो सेब खरीदने के लिए, और बहुत सारा बहुत बड़ा ढेर पड़ा है वहाँ पे सेब खरीदने के लिए। ओके, वहाँ से अगर वो जो बंदा बेच रहा है उस वो कोई भी उठा के आपको दे देता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल या डबल ब्लेड वाला, लेकिन उस सेब के ढेर में से आप कोई चुन चुन के लेते हो ना, उसको बोलते हैं सेलेक्टेड। ओके, वैसे ही क्लेफ्ट्स, बहुत सारे क्लेफ्ट्स होते हैं, क्लेफ्ट एक वुडन पीस होता है जो बैट बनने से पहले, उसको क्लेफ्ट बोलते हैं। ओके, उस क्लेफ्ट में से चुन चुन के निकालते हैं जिसके ग्रेन्स बहुत बढ़िया हो, वुड क्वालिटी बहुत हो, कोई भी इसमें दाग ना हो, वैसे वाले विलो को सेलेक्ट विलो बोलते हैं, और उसमें से बनता है प्लेयर एडिशन। आपको 500 क्लेफ्ट में से मिनिमम 50 या 100 वैसे ही सेलेक्टेड विलो मिलते हैं जिससे बनता है प्लेयर एडिशन बैट। ओके, ये हो गया। दोस्तों मेरे हिसाब से पहली चीज़ तो ये कि इनका जो ये वुड क्वालिटी होता है बहुत ही बढ़िया होता है, कश्मीर विलो का A1 ग्रेड का बैट होता है,
वेरी ब्यूटिफुल बैट, वेरी वेल डन बैट. ओके, ये मेरा पहला एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज दोस्तों, ये जो क्वालिटीज और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं बैट बनाने में इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड फंटास्टिक. ओके, क्वालिटी इनका बहुत ही बढ़िया होता है. ओके, तीसरा, ये जो बैट का बैलेंस देते हैं, ओके, बहुत ही देखने में यू नो बल्क और हैवी लगता है, लेकिन जो ये बैट देते हैं ना, बहुत ही वेल बैलेंस होता है. अगर एक बैलेंस वाला बैट आपके हाथ में आ जाए, कितना भी भारी ना हो, जब भी आप स्विंग करोगे बहुत ही हल्का लगेगा, बहुत ही ईजी लगेगा आपको. राइट, ये हो गया तीसरा. और चौथा एडवांटेज है दोस्तों, इनका स्कूपिंग जो है, इनका जो स्कूप निकालते हैं, यू नो बेहतरीन जो बैलेंस बनाने के लिए जितना चाहिए होता है सिर्फ उतना ही निकालते हैं. ये नहीं करते कि सिर्फ वजन कम करने की वजह से यू नो ये हर जगह स्कूप मारे, हर जगह कुछ ना कुछ करे, ऐसा नहीं करते. इनका बैलेंस्ड स्कूपिंग होता है. राइट, वेरी वेरी नीटली डन स्कूपिंग. ओके, पांचवा एडवांटेज, इनका जो कस्टमर सर्विस है बहुत ही बढ़िया है. वेरी गुड कस्टमर सर्विस. मेरठ का नाम सुनते ही लोगों को ये हो जाता है कि फ्रॉड करेंगे लोग, ऑनलाइन से धोखा करेंगे, कैसे करें क्या करें करके. लेकिन ये जो वीडियो बनता है, ये जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ, यू नो सुमित शर्मा या विकास शर्मा जो इस फैक्ट्री के मालिक है, डीपी स्पोर्ट्स के ओनर्स हैं, वो बहुत ही कस्टमर फ्रेंडली है. राइट, आज तक जितने भी मेरे कस्टमर्स को मैंने रेफ़र किया है वहाँ पे, यू नो एक भी ऐसा कस्टमर नहीं बोलेगा कि उन्होंने मेरा पैसा ले लिया और खा लिया. दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द कस्टमर सर्विस. हाँ, थोड़ा बहुत लेट हो जाता है मैसेजिंग करने में या रिप्लाई करने में, क्योंकि भाई लोग ये मैन्युफैक्चरर्स है, ये कोई कॉल सेंटर नहीं चलाते जहाँ पे यू नो आपका कॉल उठाया और बोलने लगे कि हेलो वेलकम टू डीपी स्पोर्ट्स, ऐसा नहीं होता. लेकिन ये एक मैन्युफैक्चरर है, थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन आज तक ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं है कि इन्होंने पैसा लिया, ऐसा कुछ हुआ. राइट, ये हो गए इनके, इसके पांच एडवांटेज गाइस. ओके, एडवांटेजेस के साथ थोड़ा थोड़ा डिसएडवांटेजेस भी होता है. ऐसा नहीं कि हर चीज़ एकदम 100% है. अगर 100% सब कुछ ठीक है तो भगवान हो जाते हैं यार. भगवान के पास ही ऐसे कोई खामियां नहीं रहती. ओके, डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा मैं, फीडबैक बोलूँगा डीपी स्पोर्ट्स वालों को कि उनको क्या इम्प्रूव करना चाहिए इस बैट में. अगर मैं एज अ कस्टमर, एज अ व्यूअर, जो फीडबैक मुझे मिलता है इन मार्केट से, मुझे मैं यही बताना चाहूँगा कि उनके बैट हमेशा हैवी बैट्स होते हैं पहले दिन से ही वो, लेकिन वो बता के ही देते हैं कस्टमर को. राइट, कि हम हैवी बैट्स ही देते हैं. लेकिन बहुत सारे कस्टमर को ऐसा लगता है कि इतने हैवी बैट्स हो जाते हैं कि कभी कभार उनके पास बैट पहुँचते पहुँचते 1250 ग्राम ऐसा है ना, 1280 ग्राम वैसे वाले हो जाते हैं. हाँ, ये बात अलग है कि हम लोग धूप में सुखाएंगे और इसका 50 से 60 ग्राम कम करेंगे सूखने के बाद, बट यू नो जो इनिशियली जो मिलता है, इनिशियली 2-3 महीना जो धूप में सुखा के इसका वेट निकालना होता है, वो वेट टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और खिलाड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. राइट, अगर थोड़ा अगर आप यू नो हल्के वजन वाले दे सकते हो, यू नो जो पहले से सूखे हुए हो ऐसे वाले बैट, बहुत अच्छा रहेगा. ये खामियां नहीं है, क्योंकि मेरे जैसे लोग जो हैवी बैट से खेलते हैं, मैं तो 1300 ग्राम तक का बैट से भी खेल लेता हूँ, वैसे वाले लोगों के लिए ये एक वरदान है, एक ब्यूटीफुल बैट है. बट मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर इसका एडवांटेज लेते हैं, बोलते हैं हमारा बैट बहुत हल्का है ये ले लो, हमारा बैट ऐसा है ये ले लो. लेकिन इनका बैट बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़े यू नो खिलाड़ियों को लगता है कि ये जब भी आता है बहुत हैवी होता है, बल्कि होता है. राइट, ये हो जाता है इनका एक ही एक फीडबैक जो मैं डीपी स्पोर्ट्स को देना चाहता हूँ. राइट दोस्तों, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक स्टेटमेंट बताया था, एवरी मास्टरपीस हैज इट्स ओन चीप कॉपीज. राइट, ये एक मास्टर क्लास है डायरेक्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल डीपी स्पोर्ट्स. ओके, बहुत सारे मार्केट में फेक डीपी स्पोर्ट्स के बैट्स बिक रहे हैं, जिसके वजह से क्या होता है, लोगों को गलत बैट मिलते हैं, अनबैलेंस्ड बैट मिलते हैं, लेकिन नाम किसका खराब होता है, डीपी का, क्योंकि डीपी का ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है. ओके दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डीपी स्पोर्ट्स का नाम डाल दिया है, नंबर डाल दिया है, जो सुमित शर्मा है और इनके डीपी स्पोर्ट्स के ओनर जो है सुमित शर्मा और विकास शर्मा, सिर्फ दो ही है और कोई नहीं है. ओके, ये बैट मेरठ से बनती है, जेन्युइन प्रोडक्ट है, मेरठ से निकलती है. राइट, और उनका सुमित शर्मा का नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, उनसे ज़रूर बात कीजिए. अगर आपको डीलरशिप भी चाहिए, प्लीज़ बात कीजिए उनसे, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स खरीदिए. ओरिजिनल से क्या होता है, आपको लाइफ लॉन्ग अच्छा प्रोडक्ट मिलता है. ओके, चीप और फेक प्रोडक्ट्स में मत जाइए. ओके,
दोस्तों ये रहा मेरा रिव्यू अबाउट माई ओन डीपी स्पोर्ट्स का बैट. ओके, अगर आपने ऑलरेडी ये बैट खरीदा है, आपके पास ऑलरेडी है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये बैट और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा. राइट, मैं एक खिलाड़ी हूँ, आप भी खिलाड़ी हो, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा बैट चाहिए. तो दोस्तों ये रहा मेरा रिव्यू अबाउट डीपी स्पोर्ट्स. और डीपी स्पोर्ट्स देखो दोस्तों, ये इनके नए स्टिकर्स हैं, ये इनके नए स्टिकर्स हैं, पुराने जो स्टिकर्स थे वो अब नहीं रहे. और एक दिखाना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास और एक स्टिकर है दोस्तों, ये और एक नया स्टिकर है इनका. सिर्फ दो ही स्टिकर बनता है इनके पास, एक है डीपी स्पोर्ट्स का बाहुबली जो है प्लेयर एडिशन का सेलेक्टेड बिलो, दूसरा है इनका रेगुलर डबल ब्लेड बैट जिसके लिए ऐसे स्टिकर बनते हैं जिसमें प्लेयर एडिशन नहीं होता. ओके, आप ज़रूर ओरिजिनल प्रोडक्ट खरीदिए, ध्यान दीजिए, फेक प्रोडक्ट्स पे मत जाइए. राइट, थैंक यू सो मच अगेन दोस्तों, अगले वीडियो तक मैं आपका और मेरा इंतज़ार रहेगा. थैंक यू सो मच, दिस इज़ गुड बाय फ्रॉम विजय थापा, UBC बैंगलोर.